अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। अब मेरी तबीयत काफ़ी अच्छी हो गई है। तो थोड़ा सा आपको अपडेट दे दूँ कि पिछले 3-4 दिनों से मैं इतनी ज़्यादा बीमार थी, मुझे इतना ज़्यादा फीवर चढ़ रहा था। हर 6 घंटे के बाद मुझे फीवर हो जाता था, हर 5 घंटे के बाद फीवर हो जाता था। कि मैंने ना 3-4 दिन से कोई वीडियो शूट नहीं करी, कोई मैंने व्लॉग नहीं बनाया। सारे मैंने, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी ना, मेरा मेरे पास इतना स्टेमिना ही नहीं था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करती। तो आज अल्लाह का शुक्र है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है। तो मैंने सोचा थोड़ी स्टडी भी कर लूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों को उर्दू बाज़ार वाला ब्लॉग शेयर किया था, उसके बाद से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उर्दू बाज़ार में इसलिए गई थी कि मुझे ना कुछ बुक्स ख़रीदनी थी। तो बुक्स मुझे इसलिए ख़रीदनी है कि मैंने टेस्ट की तैयारी करनी है। और टेस्ट में क्यों दे रही हूँ ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको आगे चले के अपने ब्लॉग्स में बताऊँगी। और अभी देखिए, मुझे इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है क्योंकि मैं पंखा बंद करके बैठी हूँ, और मुझे सर्दी लग रही थी, तो इस वजह से ना मैं पंखा बंद करके बैठी हुई हूँ। और अभी अम्मी आ गई है, अम्मी बाहर के कुछ चीज़ें लेने गई हुई थी, अब वो लेकर आ गई हैं। तो मैं पंखा बंद करके बैठी हुई थी, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो अपना इंट्रो भी शूट कर लेती हूँ। और आप लोगों को मैं थोड़ी सी ना अपडेट भी दे देती हूँ, और आप लोगों को अपनी बुक्स भी दिखा देती हूँ कि मैं उस दिन क्या बुक्स लेने के लिए गई थी, जो मुझे इतनी ख्वारी करनी पड़ी और मैं इतनी देर बाद वहाँ से आई हूँ। तो 3-4 बुक्स थी और वो मैंने ले ली, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गई हैं। इसके अलावा मुझे 2-4 लेने थे सॉल्फाइवर, 2-4 सॉरी बोल रही हूँ, 2-4 नहीं लेने थे, 2 ही लेने थे। एक 9 का लेना था, एक मैट्रिक का लेना था। तो 9 का तो मुझे मेरे कज़न ने दे दिया, और मैट्रिक का मैंने ख़रीद लिया है। तो बस अभी मुझे ऐसा लग रहा है दोबारा से मैट्रिक क्लास में आ गई हूँ। स्टडी करेंगे कुछ, थोड़ा सा रिपीट करेंगे, क्योंकि पिछले 3-4 साल से कुछ पढ़ा नहीं है, तो दिमाग में कुछ भी नहीं है, अभी माइंड बिल्कुल एकदम ब्लैंक हुआ पड़ा हुआ है। तो बस सारी चीज़ों को रिपीट करेंगे। और अभी अम्मी मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें ले आई हैं, जूसेस वगैरह सब चीज़ें, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बुक्स दिखाती हूँ अपनी, और फिर मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ। तो जी, ये है सारी मेरी बुक्स। ये मेरी कुछ नर्सिंग स्टडीज़ की बुक है, और थर्ड ईयर सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, और ये मेरी फर्स्ट ईयर की बुक है। तो ये थोड़ा सा मैं इसमें से स्टडी कर लूँगी। और साथ में 2 सॉल्व फाइवर हैं, ये मुझे मेरे कज़न ने दिए 9th क्लास की। ये सॉल्व पेपर है, और ये अनसॉल्व पेपर है, ये है मैट्रिक क्लास का। तो बस थोड़ा मेन तैयारी इसमें से करेंगे, क्योंकि अभी कुछ आइडिया नहीं है टेस्ट में कहाँ से क्वेश्चन आने हैं। तो मैं सोच रही इसी में से पढ़ूँ। और ये है जी मेरा नोटबुक, गंदा सड़ा सा, जिसमें मैं प्रैक्टिस कर करके लिखती रहती हूँ। और आजकल ये वाला जो चीज़ है ना, ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनी है, क्योंकि मेरी जो नोज़ है ना, वो अपनी मर्ज़ी से कभी रनी हो जाती है और कभी स्टक हो जाती है। वेल, ऐसा सबके साथ हो रहा है आजकल, क्योंकि मौसम बदल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा तबीयतें ख़राब हो रही है सबकी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये एवरीडे, भाई मैं एवरीडे की चाय पीती हूँ, इसीलिए एवरीडे भी आ गए। और ये इतनी सारी चीज़ें मिल आई हैं मेरे लिए। ये जूसेस मैं नहीं पीने वाली, क्योंकि मेरा तो गला ऑलरेडी बहुत ख़राब है। ये पता नहीं क्या है। अच्छा, ये कुछ पकाने के लिए सामान आया है। ओके, और ये आई है मेरी चीज़ें, जो असल वाली चीज़ें ना, वो ये है। एंड आई लव द स्क्रीन सेवर ऑफ स्लेंटी। ये जी, ये छोटी वाली स्लेंटी मिली है, बड़ी वाली स्लेंटी मिली नहीं। तो अम्मी ये कितनी सारी लेकर आ गई है मेरे लिए, और मुझे ये वाला फ्लेवर बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो जी, ये इतनी सारी स्लेंटीज आ गई हैं, साथ में आ गए हैं नाशपात मसाले। और मैं आपको दिखाती हूँ शॉपर में फ्रेश अप। हाँ, ये मैंने स्पेशल इसलिए मंगवाई थी ताकि मैं ना, और मेरे ना मुंह को ना थोड़ी मेरी एक्सरसाइज हो, और मेरे जो ये थोड़ी नाक है ना, ये खुल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंद हुई हुई है, मुझे बहुत उलझन आ रही है इससे। तो बस जी, ये मेरी चीज़ आ गई है अभी। तो इसके साथ साथ अभी हम थोड़ा सा स्टडी भी करते हैं। अच्छा, ये वाली कैंडीज भी मैंने मंगवाई थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बीमारी में इतना कुछ खा रही हूँ, तो इसका मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ कि गाइस, मुझे किसी चीज़ का ना टेस्ट आ रहा है, ना स्मेल आ रहा है। और मेरा दिल कर रहा है मैं स्पाइसी चीज़ें खाऊं, बट मुझे किसी चीज़ का ना स्मेल आ रही है, ना टेस्ट आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा काम हो चुका है। तो अब कल टेस्ट करवाएंगे इंशाल्लाह, कल या परसों, क्योंकि कल तो मुझे जाना है पता करने के लिए कि हमारा टेस्ट कब है। और उसके बाद मैं अपना ना PCR टेस्ट करवाऊंगी, क्योंकि आई एम सो वरीड कि भाई क्या हो गया है अचानक बैठे बैठे। खैर, दुआ कीजिएगा आप लोग, अल्लाह करे कि ऐसा कुछ ना हो। उम्मीद है मुझे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बस ये नॉर्मल ऐसा फ्लू एंड कफ ही है, जो कि मैं घर पर ही ट्रीट कर लूँगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इधर क्या सीन हुआ कि मेरी जो घर में पहनने वाली स्लीपर है ना, वो एंड टाइम पर टूट गई। और मुझे इतनी उलझन आती है ना विदाउट स्लीपर घर में घूमने फिरने से, क्योंकि टाइल्स हैं और टाइल्स पे इतनी जल्दी मिट्टी जमा हो जाती है, और फिर वो जब मिट्टी पैरों पे लगती है ना, तो मुझे बहुत चिढ़ आती है। तो मैंने फटाफट अपने कज़िन को पैसे दिए और बोला कि जो चौक पर चप्पलों वाला खड़ा हुआ है ना, उससे कोई भी चप्पल उठा लो भाई। तो वो ये उठा कर लेकर आ गया है।
तो बस खैर है, अभी कोई मसला नहीं है, गुजारा ही करना है। और अच्छा जी, इधर ना अम्मी ने बड़े मज़े के चावल बनाए थे। ये मुझे शक्ल से लग रहा है क्योंकि मुझे टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा और स्मेल भी बिल्कुल नहीं आ रही थी। और मैंने इनको बोला था कि ज़रा चटपटे स्पाइसी बनाइएगा, ऑल्दो मेरा गला बहुत ख़राब है, बट स्टिल मैं कोई ना टेस्ट चीज़ खाना चाह रही थी जिससे मेरे टेस्ट बड्स खुल जाएँ और मुझे स्मेल आने लगे। होता ना कभी कभी ज़्यादा मिर्ची खा लेते हैं तो वो आपको फ़ौरन से फ्लू हो जाता है और फिर आपके ना सारे सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं। तो मैं कुछ इस टाइप का खाना चाह रही थी बट मैं फेल हो गई क्योंकि मुझे ना इसका भी कोई इतना खास ऐसे टेस्ट आ नहीं रहा था। अच्छा, मैंने इधर आप लोगों को चीज़ दिखाती हूँ कि जो मेरा साइड वाला शेल्फ प्लस इस्त्री स्टैंड है, ये सब इसकी क्या हालत हो रही है। तो मुझे ना इतनी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी नोज़ में कि मैंने ये नेबुलाइज़र यहाँ पर रख लिया है। तो यहाँ मैंने नेबुलाइज़र रखा हुआ, ये बास्केट रखी हुई है मेडिसिन की, और ये मेरा शरबत रखा हुआ। और ये मैं आपको बताती हूँ, मेरे कान में इतनी एलर्जी हो रही है ना कि मैंने ये अपने पास रखी हुई है ऑल टाइम के पास, मुझे जैसी एलर्जी हो ना मैं यूज़ कर लूँ। और अभी मैंने नैप्स किए थे तो कचरा मैंने यहीं पर रख दिया है। तो बस आजकल ये सिचुएशन हो रही है मेरे साथ, ये इसका बॉक्स पड़ा हुआ है, ये पूरी टेबल अभी इस वक्त ना फुल हो रही है एकदम से। और इसमें मैंने कुछ अपनी बुक्स भी रखी हुई हैं। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि जल्दी से मेरी नाक जो है ना वो खुल जाए क्योंकि मेरा टेस्ट भी करीब है, मुझे टेस्ट देने भी जाना है। मुझे सारी ज़्यादा टेंशन इसी बात की है कि मुझे जाना है। अभी मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, स्टीम लेने के लिए मैं स्टीम लूँगी और साथ में कहवा बनाकर पीऊँगी ताकि मुझे थोड़ा सा ना कुछ रिलीफ मिले। अच्छा, मैं ना अभी यहाँ पे पीने लगी हूँ ये जो शानदार जिसमें मैंने शहद डाला है अभी। तो मुझे ना मेरी शाम में सिस्टर इन लॉ की कॉल आई थी, तो वो मुझे कह रही थी कि ना तुम अदरक और शहद वाला पानी पियो, यानी कि शहद में ना 2-4 ड्रॉप अदरक के डाल के तो वो पियो। तो अदरक तो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता, तो मैंने सोचा कि जो शानदार में शहद मिला लेती हूँ क्योंकि शहद पीना सुन्नत भी है और शहद में शिफा भी है। तो आई होप कि इससे मेरी जो कफ है उसे रिलीफ मिलेगा। और इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं अपना कोविड टेस्ट करवाऊंगी क्योंकि जिस चीज़ का आपको दिल में वहम हो ना फिर वो आपको करवा लेनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला सब सही होगा, होप फॉर द बेस्ट। अभी कहवा पीते हैं फिर स्टीम लेंगे और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। शुक्र है जी, मैंने स्टीम ले ली है और आज मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि कितना टिपिकल होता है ये सारे काम करना। मैंने अपने बचपन में अगर किए हो तो क्यों, लेकिन बड़े होकर मुझे याद नहीं है कि ऐसे मैंने स्टीम ली है या नैप्स की हैं। मुझे सारी चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं, मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता कि मैं खुशी खुशी ये काम करूँ, बल्कि किसी को भी नहीं लगता होगा। अभी तक मुझे पसीने आ रहे हैं स्टीम की वजह से और मैंने फ़ैन भी ऑन नहीं किया क्योंकि फिर तो उसका सारा असर ही ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे वो पुराने दिन याद आ रहे हैं जब हम हॉस्पिटल में थे और हम जाया करते थे वार्ड्स में और पेशेंट को बोला करते थे कि अच्छे से नैप्स लें, नाक से और मुंह से लंबे गहरे सांस लें। और आज जब मैं ख़ुद नैप्स कर रही थी तो मुझे इसका टेस्ट फील हुआ कि कितने कड़वे होते हैं ये। तो वेल, अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक था, मैं यहीं पर ब्लॉग को एंड कर दूँगी। आई नो कि आज के ब्लॉग में मैंने ज़्यादातर बस आज के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को इतना कोई ख़ास नहीं दिखाया, बट अभी मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ तो मेरे पास इतना कोई ख़ास कंटेंट भी नहीं है। बस मैं घर पर हूँ तो घर पर रहकर जो मुझसे कंटेंट बन पाते हैं मैं बना लेती हूँ। तो बस अब यहीं तक अपने ब्लॉग में रखेंगे, मज़ीद कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि अभी इस वक्त तकरीबन रात के 12 बज रहे हैं और मुझे कल जाना भी है। तो
बस अब अपना अलार्म सेट करेंगे, सोने की तैयारी करेंगे और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो यार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों यूट्यूब को मुझसे क्या दुश्मनी हो गई, वो मेरी वीडियोज़ को रिकमेंड नहीं कर रहा है। तो मेरी सपोर्ट बने, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ, अच्छा लगे या बुरा नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।